बहना, यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ कौन सा गिफ्ट है? अकेले में गिफ्ट देना जरूरी था? ये मेरी तरफ से नहीं है, एक लड़के की तरफ से है, खास तुम्हारे लिए। उसने कहा तुम्हें अकेले में दूं, ये लो। लड़के ने भिजवाया है? देखो ना इसमें क्या है, खोलो ना डॉक्टर। ये गिफ्ट है? ये सीटी है, इसको ऐसे मुंह में, मतलब मुंह में रखते हैं और भूई बजाते हैं। अच्छा, मैं तो जानती ही नहीं थी। जानती हो ना, तो मारो फूक। मैं नहीं बजाऊंगी। बजा के तो देखो क्या होता है। किसने दिया ये गिफ्ट? क्या पता, मैं तो बीच की बिचौलन हूँ। उसने कहा ये गिफ्ट तुम्हें दे दूँ, तो मैं लेकर आ गई। मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें पता करना है तो खुद जाकर नीचे देख लो। ये तो फुल स्पीड में निकली। ओए सेल्फी! ओए, हैप्पी बर्थडे। आज तक लड़कियों से दूर भागता रहा और आज देखो तुम्हें ढूंढने में 27 साल लग गए, इसलिए इजहार करने में 27 सेकंड भी रुक नहीं सकता। तुमसे प्यार करता हूं, शादी करोगे? जवाब की कोई जल्दी नहीं है, दिल से हुज्जत कर लो, उसके बाद हां बोल देना। लो भाई, कार्ड्स छप कर आ गए। आरती लीजिए। केटरिंग वाले को 5 लाख एडवांस दे दिया। आजकल केटरिंग सर्विस बहुत महंगी हो गई है। मैं तो कहता हूँ कम है।
कौन सी दो चार बेटियां हैं हमारी? मैं तो कहती हूँ राज केटरिंग सर्विस ट्राई कीजिए, हजार लोगों के खाने पर आइसक्रीम फ्री देते हैं। अब तुम भी छोड़ो ना, मैं एडवांस दे चुका हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ, जवाब की कोई जल्दी नहीं है, दिल से हुज्जत कर लो उसके बाद हाँ बोल देना। फॉरेन से जो गेस्ट आने वाले उन सबके टिकट्स भी करा दिए हैं, एक दो दिन में ट्रैवल एजेंट आ जाएगा, मीटिंग कर लेंगे, एयरपोर्ट पिकअप भी तो अरेंज करना होगा। न्यूजीलैंड वाली बुआ जी भी आ जाती तो अच्छा होता। देखो बात तो की है, शायद आ जाए, एक बार फिर कॉल करता हूं। ज्यादा सोचोगी ना तो गाल पे पिंपल आ जाएंगे। जरा पता तो करूं इसके मन में चल क्या रहा है। कान पे तो लगाओ। तो आखिरकार इसे प्यार हो ही गया। ये तुम कैसे कह सकती हो? तुम्हारी आंखों में साफ साफ लिखा है। ऐसा क्या पढ़ लिया? ढाई अक्षर प्रेम के उस सीटी वाले के लिए, उसकी डेयरिंग इस सगाई की रिंग पर भारी पड़ेगी। जाओ जाके अपना काम करो। बढ़िया ही मेरी आंखें पढ़ने वाली। नैन्सी, काव्या आंटी की मंगनी टूटेगी या नहीं? टूटेगी अगर तुम मुझे अभी मैजिक दिखाओगी तो। सिद्धार्थ से तुम्हारी दोस्ती हुई क्या? अभी नहीं। हाँ, तो जब दोस्ती हो जाएगी तब जादू दिखाऊंगी। ओके। लो, अब चेहरे पे भी साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हें लवेरिया हो गया डॉक्टर। हेलो। हाँ, बोलने के लिए और कितना टाइम चाहिए? सुनो, इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, तो शाम को बस में मिलते हैं। सवाल ही नहीं। तुम आओगी और हम मिलेंगे। बाय। हेलो हेलो, एक बात बोलना भूल गया, आई लव यू। आई लव यू। बस में आएगी या रिक्शा से जाएगी? हेड्स आ गया, इसका मतलब कि बस में आएगी। यस। किससे बात कर रही थी? अपने थके हुए शरीर से दोनों मिलके स्पा का प्लान बना रहे। वेरी गुड, एक काम करो मेरे साथ बस में चलो। बस में नहीं। नो नो नो, मुझे याद आया एक जरूरी काम करना है। ऐसा क्या काम है? क्या काम है वो तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, सीरियल देखना है, कंचना भी कभी बहू थी। आज के एपिसोड में ना कंचना अपनी सास को रंगे हाथों पकड़ेगी वॉचमैन कांचा के साथ। नेपाल स्पेशल एपिसोड है। मेरी रसमलाई, देखो तुम नाराज मत होना, आज बस में आना मेरे बस में नहीं है, कल बस में होगा तो बस में आ जाऊंगी, फिर बस क्या। बहानेबाजी बंद करो और सीधा मेरे साथ चलो। आके सुई लगा चलो। देखो मैं अगले स्टॉप पे उतरने वाली हूँ। इतनी क्या जल्दी है? क्योंकि टाइम लगेगा। स्टॉप आ गया, जाने दो ना, नहीं तो केबल का पैसा वेस्ट हो जाएगा। बस करो, बैठ जाओ। क्या करूं? ये तो मुझे ही ढूंढ रही है। वो देखो, वो देखो, देखो, चले चले चले, मस्त इमली वाली चटनी डलवा के लाती हूँ, मजे से खाएंगे, बहुत मजा आएगा। कड़ कहेंगे, यही बैठी रहो। ऊपर वाले प्लीज कोई चक्री घुमा ले। मेरी नस नस में और मैं चढ़ा हूँ तेरी बस में। इस पूरी बस में सिर्फ दो ही चीज देखने लायक है, एक तो है ये गुलाब का फूल और दूसरी जो कहेगी कबूल। लेकिन उससे पहले मैं मर्द बन के प्रपोज करूंगा, आई लव यू। मेरा ये नजराना ले लो और मेरे साथ नाइट मैच खेलो। तेरा विकेट टूट गया तो क्या हुआ? पहली बैटिंग मुझे करने देना। लेकिन बैटिंग ये क्यों करेगी? अरे ये तो T20 के मूड में आ गई। अबे टकले किधर है तू? अरे जल्दी टैक्सी लेकर आ, मुसीबत में फंस गया हूँ, कपड़े चाहिए, जल्दी आ जल्दी।
शायद इसके दिल में कि मैं इसके पीछे दौड़ू। जा डार्ली, मेरे दोपहर की डोज तो दे दे। अरे पतली गली में घुस गई, मैं कैसे घुसूंगा? एक्सक्यूज मी, टिंग टॉक टिंग टॉक एम्बुलेंस। ये जंगली भालू पीछा के नहीं छोड़ता। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। औरत छेड़ता है, गाजर खाओगी तेरी तो। रुक, तुझे लौकी खिलाती हूँ। दशहरे में होली मना रहा है। इधर आ, इधर आ, बिनो जल्दी कार में। अरे फिर से निकल गई। एक ना एक दिन तेरे दिल की सर्जरी करके रहूंगा। बस मैं वो नहीं छोड़ रही थी और बस के बाहर ये नहीं छोड़ रहा था। चलो कपड़े बदलता हूँ। सुंदरी, कार में ड्रेस चेंज करोगी? अबे टकले, खाली गले तक ही लड़की हूँ। उसके बाद नक्शा सेम है, आगे देख। मुश्किल है पर कोशिश करता हूँ। अबे रुका क्यों है? देर हो रही है। लाल सिग्नल है तो तू बेटर। मैं आया। ए, क्या कर रहा है? तेरे मुंह पे अच्छा नहीं लग रहा। ओए सेल्फी। तो बताओ कब शादी करनी है? कहीं और जाकर बैठो। कहीं और जाकर बैठा तो शादी कर लोगी? रुको रुको। बड़ी जिद्दी है। ठीक है, कार्ड कब छपवाने? इतनी बड़ी दुनिया है, मुझमें ऐसा क्या दिखा तुम्हें कि तुम मेरे पीछे पड़ गए? तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारी खामियां मुझे कभी नजर ही नहीं आती हैं। और तुम भी तो बिना सोचे समझे बस में चली आई। मेरी कितनी बात मानती हो। और तुमसे शादी के बाद ना मेरा खर्चा भी कम होगा, क्योंकि तुम कम मेकअप में भी बहुत अच्छी लगती हो। अगर तुम कहो तो 512 की जो बस है ना, सीधा मैरिज कोर्ट जाती है। किसने कहा मैं सिंगल हूँ? मेरी तो अभी एंगेजमेंट हो गई है ना। पता है मुझे। तुम्हें पता है? मेरी शादी की डेट 31 मार्च है ना। अरे ये भी पता है यार। ज्योतिष विद्या सीख रहे हो क्या? जो तुम्हें सब कुछ पता है। अब मेरा स्टॉप भी आ गया। देखो मेरा पीछा मत करना, फोन मत करना, सीटी भी मत बजाना। तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। मेरी बात समझ गए ना? जल्दी चलिए मैडम। देखो मेरा पीछा मत करना। हाँ इतनी बार बोली, लगता चाहती है पीछा करूं। अभी आया। तुम भी सीटी की आवाज पर पलटना बंद कर दो, मैं भी पीछा करना छोड़ दूंगा। नाराजगी बढ़ेगी तभी प्यार मल्टीप्लाई होगा। बिल्ली की तरह रास्ता काटता रहूंगा। हाफ सीट के रेट में फुल सीट दूंगा। बिना मीटर डाउन किए पूरा शहर फ्री में घुमाऊंगा। चलना रोमांटिक पिक्चर देखते हैं। मेरा पीछा छोड़ो। अगले 7 तक तो बिल्कुल नहीं, उसके आगे का बता नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद तुम खुद मेरे पीछे लगोगी। हाँ ये मेरा नहीं है। शादी के बाद हम हनीमून के लिए काठमांडू जाएंगे। वहाँ पर तुम्हें टांगे पर बैठा के बर्फ की सैर कराऊंगा, वो भी सीट बेल्ट पहना के। अरे अगर बुरा लगा तो वेरी सॉरी। कार्ड डालूंगी। फ्राइड राइस खाएंगे? हाँ थोड़ी सी। सुबह कंप्लेन मत कीजिएगा। नहीं। उतनी भी सुंदर नहीं है, इससे ज्यादा सुंदर तो रेशमा है। एक बार मेरी इससे शादी तो हो जाने दे, फिर मैं इसे दिन भर घर में बैठाऊंगा और खुद बाहर जाकर ऐश करूंगा। एकदम बकवास। फ्राइड राइस एकदम बकवास है। खाना अच्छा है? बढ़िया है। हेलो। हाँ सर। कहाँ चली? 2 मिनट्स। हाँ मैं आई। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? आओ मम्मी पापा बैठे हैं, सब बैठे हैं। क्यों, क्या हुआ? डर गए? आ जाओ, चलो चलो ना। नहीं नहीं, क्या हुआ? प्यार खत्म हो गया? डर गए? ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? अकल है कि नहीं? अगले महीने मेरी शादी होने वाली है,
तुम सीटी बजाओगे, मुझे फोन करोगे, मेरा पीछा करोगे तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा? मुझे क्या समझा है? किसी इंगेज लड़की को कोई इस तरह से टॉर्चर करता है क्या? बस करो, समझ गया, सॉरी, मानता हूँ मेरी गलती है, मैं यहाँ पे माफी मांगने ही आया था, तो आज से ना फोन करूंगा ना पीछा करूंगा और सीटी तो गलती से भी नहीं बजाऊंगा। तो कब करे शादी? ये सवाल तो बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा। चलता हूँ।